टू माई न्यू ब्लॉग। कुछ दिनों से मैं कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, और वो मेरी मसरूफियत की वजह थी। मेरी आने वाली न्यू कलेक्शन, तो बहुत जल्द मैं आपके साथ एक ट्रेंडी, बहुत खूबसूरत, वाइब्रेंट कलर में एक कलेक्शन शो करूँगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं उसकी तैयारी में और आने वाले शूट्स में थोड़ी सी बिज़ी थी, तो मैं आपके लिए ब्लॉग नहीं बना सकी। मैं थोड़े से आपको उसे ग्लैम ज़रूर दिखाऊँगी, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जिसमें मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, और चलें फिर देखते हैं, आइए मेरे साथ। सॉरी फॉर लेट, पर ये था वैलेंटाइन के कुछ गिफ्ट थे जो मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किए थे और बाहर से भिजवाए थे। ये थे रोज़ फ्लावर्स, ज़ारा के परफ्यूम, बॉस स्कार्फ, और डिफरेंट टाइप की कुछ चीज़ें थीं जो वो मेरे लिए लाए थे। ये ज़ारा के परफ्यूम्स हैं, ये एक उसने मुझे बाहर से भेजा था, एक रोज़ ने मुझे गिफ्ट किया था, रयान ने भेजा था, ये स्कार्फ भी उसने मुझे भेजा था, घड़ी थी, एक वॉच थी इस पर रखी, और ये सेलिब्रेशन थी जो शरोज ने की थी, बैलून्स, फ्लावर्स और डिफरेंट तरह की चीज़ें ला के। और ये मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके रखी थी, जो कि मैं ब्लॉग नहीं बना सकी, तो मैं उसको आपको दिखा भी नहीं सकी। तो ये वैलेंटाइन की कुछ गिफ्ट थे, और ये एक रिंग थी गोल्ड की स्मॉल डायमंड्स के साथ, जो आई होप कि मैं आपको दिखा सकूँ। मैं इसको फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, आई गेस के शायद आप देख पाएँ। तो ये एक रिंग थी। ये था जी संडे का दिन, और हम लोग निकले ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली हम लोग निकले थे, बैरिया टाउन आए थे शरोज की बोबा टी के लिए, लेकिन बोबा टी जहाँ से अवेलेबल होती है वो उस वक्त वहाँ पे नहीं थी। तो फिर हमने प्रैम बनाया कि हम लोग बुंदू खान से नाश्ता करते हैं, ये बुंदू खान का हलवा, क्योंकि मेरा गला नहीं ठीक था तो मैं वही खा सकती थी। ये सब लोगों ने ये ऑर्डर किया था अपने लिए। ये था जी नाश्ता हमारा, और हम लोग नाश्ता करने के लिए यहाँ पे रुके बुंदू खान पे। तो ये था वो प्लेटर जो मैं आपको अभी शो करूँगी। तो बुंदू खान, क्योंकि अंदर जाने का किसी का भी मूड नहीं था, तो हम लोगों ने सब गाड़ी में ही ऑर्डर कर दिया। तो गाड़ी में दे गए, ये प्लेटर था इनका, चने, आलू और डिफरेंट तरह की चीज़ें। तो यहाँ मैंने सोचा कि वापस जाते हुए आपके लिए नाम रहा सो कॉल्ड एफिल टावर की भी मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो ये जी ये था बैरिया टाउन का एफिल टावर, जिसके लिए हर जगह लोग यहाँ पे जमा होते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम में भी यहाँ पे आई थी, क्योंकि मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं थी यहाँ आने के लिए, तो मैंने चलो कहा मैं आ जाई हूँ तो आपके लिए रिकॉर्ड कर दूँ।